मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो रेगिस्तान वाली खुली जगह पे घूम रहा था। तभी उसके सामने एक खतरनाक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो इस आदमी पे अटैक करने ही वाला था तभी ये आदमी उसे गोली मार देता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी का जेब चेक करता है जहां उसे एक गन, बुलेट्स और कुछ पैसे मिलते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए वो गन और बुलेट्स ले लेता है लेकिन पैसों को वो वहीं फेंक के आगे बढ़ जाता है। तभी सीन स्विच होता है और हम प्लेन के अंदर कुछ सिपाहियों को देखते हैं जहाँ हम इस आदमी को भी देख पाते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम ब्राहिम है। इनके साथ चैम्स नाम का भी एक सिपाही था जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था और ये लोग काफी परेशान हो रहे थे। और देखते ही देखते वो सिपाही एक ज़ॉम्बी बनने लगता है और इनमें से एक सिपाही को काट लेता है। उससे ज्यादा लोग इन्फेक्टेड ना हो इसलिए वो लोग उसे गोली मार देते हैं। तभी हम एक गाँव का सीन देखते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। वो लोगों को काट काट के उन्हें इन्फेक्टेड कर रहे थे। तभी हम एक घर में एक लेडी और उसके बच्चे को देखते हैं जो घर के अंदर छुपे हुए थे। तभी वो ज़ॉम्बी उस लेडी को देख लेता है और वो लेडी अपने बच्चे को वहाँ से भगा देती है और ज़ॉम्बी उस लेडी को काट लेता है। लेकिन सोल्जर्स उस बच्चे को बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तभी हम एक प्लेन को देखते हैं जो अफ्रीका के समुद्र के पास आके क्रैश हो जाता है जिसमें ब्राहिम नाम का आदमी और कुछ सोल्जर्स वहाँ पे बच जाते हैं। सुबह होने के बाद हम ब्राहिम और उसके साथ दो सोल्जर्स को देखते हैं जो नदी के किनारे पहुँच जाते हैं जिसमें से एक सोल्जर पहले से ही इन्फेक्टेड था और दूसरा सोल्जर ज़ॉम्बी को मारते हुए वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगता है। ब्राहिम वहाँ अकेला बच जाता है और उसके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था जिसके कारण उसकी फटके चार हो जाती है और ज़ॉम्बी सोचते हैं कि अब तेरा क्या होगा ब्राहिम। उसके बाद ब्राहिम बगल में रखी संदूक को पत्थर से तोड़ने लगता है। वो ज़ॉम्बीज उस पे अटैक करने ही वाले थे तभी वो संदूक में से बंदूक निकाल के उन्हें शूट कर देता है। उसके दूसरी तरफ हम डैनियल नाम के सोल्जर को देखते हैं जो अपने गाँव आता है। उसे वहाँ चारों तरफ बस लाशें दिखाई देती है और वो वहाँ रखी एक फोटोज को देखता है जिससे हमें पता चलता है कि वो लेडी जो मर गई थी ये उसी का हस्बैंड है और वो बच्चा जिसे सोल्जर बचा के लेके गए थे वो इसका बेटा था। तभी डेनियल को वहाँ एक लेडी मिलती है और वो डेनियल को बताती है कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है और उसे मिलिट्री वाले ले गए हैं। ना जाने तुरंत वहाँ कहाँ से एक ज़ॉम्बी आता है लेकिन डेनियल उसे मार देता है। इधर ब्राहिम भी भागते हुए एक गाँव में पहुँचता है जहाँ उसे एक गाड़ी मिलती है। वो उस गाड़ी को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती जिसके बाद वो घर के अंदर से फ्यूल टैंक लाता है पर गाड़ी का एक टायर भी खराब था जिसके बाद वो टायर लगाता है और तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे ब्राहिम मार देता है जिसके बाद ब्राहिम की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और गोली की आवाज सुनने के बाद वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। वो जल्दी से टायर लगा के गाड़ी को स्टार्ट करता है और ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए वहाँ से भागने लगता है लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसकी गाड़ी का टायर पत्थरों के बीच फंस जाता है और ब्राहिम की फटके चार होने लगती है। वो ज़ॉम्बीज उसका चिकन पार्टी करने ही वाले थे तभी डैनियल पीछे से आके उसे बचा लेता है और वो ब्राहिम से पूछता है कि क्या तुम इन्फेक्टेड हो जिस पर ब्राहिम उससे बोलता है कि नहीं जिसके बाद डैनियल उससे बोलता है कि अगर तुमने ये बात झूठ बोली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसके बाद डैनियल उसकी गाड़ी निकलवाने में उसकी हेल्प करता है और दोनों गाड़ी में बैठ के आगे जाने लगते हैं। उसके बाद ब्राहिम डैनियल को बताता है कि मैं एक अमेरिकन आर्मी हूँ और एक अच्छा मैकेनिक भी और हमारा प्लेन क्रैश हो गया था जिसके कारण मैं यहाँ फंस गया। जिसके बाद डैनियल भी उसे अपनी कहानी बताता है और वो बोलता है कि मैं ड्यूटी पे गया था पर मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ आना था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि मेरे बेटे को सोल्जर उठा के ले गए हैं। ब्राहिम उससे एयरपोर्ट के बारे में पूछता है लेकिन डैनियल उसे बोलता है कि अमेरिकन वॉर में एयरपोर्ट खत्म हो गया है पर ब्राहिम उसे वहाँ ले जाने के लिए जिद करने लगता है। रास्ते में वो अपनी जरूरत का सामान चेक करने के लिए एक जगह पे रुकते हैं पर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। ये दोनों मिलकर वहाँ सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं लेकिन वहाँ इन्हें अपने मतलब की कोई भी चीज नहीं मिलती। इसके बाद इनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और एयरवेज तक इन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। वहाँ पहुँच के ब्राहिम एक इंजीनियर वाला दिमाग लगाता है ताकि वो एक एयरप्लेन बना के वहाँ से निकल सके। वो वहाँ एक पुराने प्लेन को देखता है और जैसे ही ब्राहिम उसके अंदर जाता है तो एक खतरनाक ज़ॉम्बी उस पे अटैक कर देता है पर ब्राहिम किसी तरह उससे बच जाता है और उसकी गर्दन काट देता है। उसके बाद डैनियल एक डब्बे में पेट्रोल भरता है और ब्राहिम को एक रेडियो कंट्रोल सिस्टम रूम मिलता है। ब्राहिम वहाँ जाके फुल प्रोफेशनल की तरह हेल्प मंगाने लगता है लेकिन सामने से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिसके कारण उसे लगता है कि रेडियो शायद खराब है। वो डैनियल से जाके बोलता है कि यहाँ ऐसी
ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे काम आ सके। डैनियल उससे बोलता है कि हमारे पास फ्यूल है, और दोनों उस फ्यूल के डब्बे को लेके गाड़ी के पास जाने लगते हैं। जब वो दोनों गाड़ी में फ्यूल भर रहे थे, तभी बगल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और डैनियल उन्हें मार के वहां से जाने लगता है। ब्राहिम की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए आगे डैनियल ड्राइव करता है। सुबह तक वो एक गाँव में पहुँचता है जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स थे। तभी एक सोल्जर आके डैनियल के पास बातें करने लगता है। डैनियल उससे बोलता है कि हम काफी दूर से आए हैं और हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, जिसके बाद वो सोल्जर इसकी हेल्प करते हैं और उसे अपने कैंप में ले जाके उन्हें खाना पीना देते हैं। रात में डैनियल सोल्जर से पूछता है कि तुम मिलिट्री बेस क्यों नहीं गए, जिस पर वो सोल्जर बोलता है कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को प्रोटेक्ट करूं, और जहां मेरा जन्म हुआ मैं वहीं मरना चाहता हूं। अगले दिन डैनियल ब्राहिम को लेके वहां से निकल जाता है, पर धूप में ज्यादा गाड़ी चलने की वजह से और इंजन गर्म होने की वजह से बंद हो जाता है, जिसके कारण ब्राहिम उसके अंदर सारा पानी डाल देता है और उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचता। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक हैंडपंप दिखता है, लेकिन पानी लेने में दोनों की फट रही थी क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं पानी इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन बाद में वो दोनों पानी पी लेते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है और रात में जंगल में कुछ ना दिखने की वजह से जंगल में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कुछ देर बाद डैनियल के कहने पे ब्राइन जैसे ही लाइट ऑन करता है तो उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा था। वो सारे ज़ॉम्बीज इन पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों किसी तरीके से उन्हें मार के आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों काफी डर जाते हैं और वो एक रस्सी से बाउंड बनाते हैं जिसमें उन्होंने एक लोहे की कैन लगाई थी, और जैसे ही कोई ज़ॉम्बी वहां आए तो कैन बजने लगता, जिसके कारण इन्हें पता चल जाएगा कि ज़ॉम्बी आ रहे हैं और ये लोग उससे बच सकते हैं, जिसके बाद ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। कुछ देर में उनका कैन बजता है, लेकिन गहरी नींद की वजह से डैनियल की आंख नहीं खुलती, जिसके बाद ज़ॉम्बी डैनियल को खाने लगता है। ब्राहिम उसे बचाने की कोशिश करता है और सारे ज़ॉम्बीज को मार के वो डैनियल को अपने कंधे पे उठा के वहां से ले जाता है। उसके बाद डैनियल ब्राहिम से कहता है कि हमारा सफर यहीं तक था मेरे दोस्त, और तुम मुझे शूट कर दो क्योंकि मैं ज़ॉम्बी बनके नहीं जीना चाहता। ब्राहिम काफी टूट जाता है और फाइनली वो उसे मार के आगे बढ़ने लगता है। आगे ब्राहिम को एक लेडी मिलती है जो अपने बच्चों को साथ में लेके वहां से भाग रही थी। वो ब्राहिम को अपना बच्चा दे देती है और बोलती है कि मुझे शूट कर दो। वो उसे अपना इन्फेक्शन दिखाती है और बोलती है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे और वो उसे नोच नोच के खाए, इसलिए उससे कहती है कि तुम मुझे शूट कर दो। ये देख के ब्राहिम को भी उस पे दया आ जाती है और वो उसे शूट कर देता है। आगे ब्राहिम को कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो उस बच्चे को उन्हीं के हाथ दे देता है। आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होने की वजह से वो एक पहाड़ पे चढ़ जाता है, जहाँ उसे एक बड़ा सा रेगिस्तान मिलता है, और वो उस रेगिस्तान में चलते चलते काफी थक जाता है, और यही वो सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। तभी वो मिलिट्री बेस के आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देखता है, क्योंकि मिलिट्री बेस के पास ज़ॉम्बीज ने मेला लगा रखा था। ब्राहिम हिम्मत करके वहां जाता है और सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए रास्ता बना के वो दीवार से उस साइड कूद जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद मिलिट्री बेस के अंदर वाले लोग उसे पानी पिलाते हैं, जिसके बाद ब्राहिम उनसे कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में पूछता है, पर वो लोग उसे बताते हैं कि रेडियो सिस्टम नॉट वर्किंग है। उसके बाद ब्राहिम उस रेडियो को ठीक करके US एयरफोर्स को कॉन्टेक्ट करता है और हेल्प के लिए सप्लाई और प्लेन की डिमांड करता है। तभी वो US का ऑफिसर बोलता है कि यहाँ भी प्लेन की शॉर्टेज है क्योंकि ज़ॉम्बीज ने यहाँ भी अटैक कर दिया है, जिसके बाद ब्राहिम की सारी उम्मीदें टूट जाती है। तभी वो सारे ज़ॉम्बीज दीवार तोड़ के अंदर आ जाते हैं और वो सारे लोगों को काट काट के इन्फेक्टेड करने लगते हैं, लेकिन ब्राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर में सारे ज़ॉम्बीज वहां से चले जाते हैं, पर ब्राहिम के पास डैनियल का बेटा आता है जो किसी तरीके से बच गया था, और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 74% लाइक किया है। अगर आपको इस टाइप की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।